हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। और आज का व्लॉग भाई गोवा का लास्ट डे का व्लॉग है। दोस्तों अभी मॉर्निंग में उठ गए भाई, सारे के सारे बच्चे जो हैं वो निकल गए बाहर। हाँ जी भैया, दे दो हेयर ऑयल होगा एंड टॉवल्स होंगी। ठीक है। और दोस्तों अभी जा रहा हूँ भाई मैं पूल में, सो देट कि आज के टाइम को भी मैं इंजॉय कर पाऊँ। और पूनम लगी हुई है पैकिंग करने में बच्चों की और अपनी, तो अभी बच्चे सारे चले गए हैं, मैं पूल में निकल रहा हूँ। बच्चे कह रहे हैं पूल में हमारा आज का वीडियो शूट और कर दो, तो यहाँ से सीधे निकल लिया हूँ पूल के लिए। आप लॉक कर लो पूनम। चल दोस्तों चलते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 दिन हो गए हैं दोस्तों, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमने ट्राई ना किया हो, कुछ इंजॉय ना किया हो, चाहे वो जकूजी हो, मसाज हो, या पूल हो, डाइनिंग हो, ब्रेकफास्ट हो, साइट सीन हो। और देखो कल मैंने फिर दिखाया था आपको कि भैया पूरा समुद्र शिफ्ट हो गया था और नदी जो थी बिल्कुल सूख गई थी। और अब देखो रात में क्या हाल है, अभी आपको व्यू दिखाता हूँ। बच्चे गए अंदर, करो बेटा करो, जल्दी करो, चलना है फिर। गुड मॉर्निंग ब्रो। ये देखो दोस्तों नदी में कितना पानी आ गया फिर से। बेटा ऐसे ही तो होता है डेली, सुबह सुबह का मौसम बहुत ही ज्यादा सुहाना है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा, मतलब बस क्या बताऊं, मन कर रहा है यहीं बैठे रहो, समुद्र को देखते रहो, नदी को देखते रहो। और आज के दिन को भाई स्टार्ट कर रहा है तुम्हारा भाई, अभी सीधे जा रहा हूँ पूल में और बच्चों के साथ थोड़ा सा आज के दिन को एंजॉय करता हूँ, क्योंकि अभी हमें यहाँ से निकलना है, ब्रेकफास्ट करना है और टिकट्स वगैरह भी अपनी रेडी करनी है। तो अभी चलते हैं पूल के अंदर। चलो चलो चलो, रूम ठंडे हो रहे होंगे ना। तो दोस्तों अभी भाई मैं तो नहा लिया हूँ, बच्चे भी नहा लिए। सक्षम और देवा आ जाओ बेटा। हाँ ये बेटा वहाँ साइड में रखो सक्षम, उसे देव ना, देव ले रहा। चलो आओ जल्दी, आओ जल्दी, चलो 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 चलो। और छवि के पैरों में दोस्तों छाले हो रहे हैं। बेटा इधर से रास्ता नहीं है छवि, उधर कौन ही वाली है। सो नहा दोगे फिट हो गए भाई चकाचक, और बिल्कुल आज टाइम वेस्ट करने के मूड में नहीं है। मैंने बता ही दिया भाई कि आज का दिन लास्ट डे हमारा गोवा में। हाँ बेटा बाय बाय गोवा। आओ सक्षम निकलो निकलो निकलो, सीधे रूम में शावर लेना है, नहाना धोना है, कपड़े पहनने हैं। चप्पल बेटा घिसते नहीं सक्षम। चलो डैडी हम भी एक बिल्ली लेंगे अब। हाँ हाँ हम भी एक बिल्ली लेंगे दोस्तों। यहाँ पे एक बिल्ली है जो मैंने आपको कल के ब्लॉग में दिखाई थी भाई, बहुत ही बेहतरीन बिल्ली है, समझदार है, पालतू है, और बच्चे तो कल उससे काफ़ी देर तक खेलेगी। चलो फाइनली रूम हमारा आ गया, अभी भाई हम शावर लेते हैं। और कल तो हमने जकूजी के भी मज़े लिए थे, बट अब बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज टाइम बिल्कुल नहीं है हमारे पास। आज सारा शेड्यूल एकदम से फिक्स है, क्या करना है, कैसे करना है, नहीं करना है, कब करना है, कितना करना है। चलो बेटा नहाओ जाके जल्दी, नहाओ नहाओ जल्दी जल्दी जाओ जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ बेटा हाँ बेटा दोबारा नहाओ, क्लोरीन का पानी है ना, नहाओ दोबारा नहाओ, रेडी हो चलो जल्दी। तो दोस्तों तुम्हारा भाई आ चुका है रूम के अंदर। चलो तुम रेडी हो, चलो भाई ये रेडी, मैं भी रेडी हो जाता हूँ और मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों नहा धो के रेडी हो गया हूँ और अभी जा रहा हूँ भाई मैं स्कूटी की चाबी देने, क्योंकि जो स्कूटी वाले थे उनको फोन करना पड़ेगा मेरे को, सो देट कि वो ले जाए। अदरवाइज कहते हैं 9 बजे के बाद 200 रुपये की पेनल्टी है सीधे। और तेल बतानी भाई, बहुत धांधलेबाजी है स्कूटी वाले, हरामी है भाई, यहाँ पे अच्छे नहीं है। चलो मैं बाहर जाके उसको फ़ोन करता हूँ।
सो दोस्तों स्कूटी मैंने सरेंडर कर दी है और भाई सबको लेके आता हूँ नाश्ते के लिए, सो दैट टाइमली जो है नाश्ता हो जाए। नाश्ता लोग कर ही रहे हैं तो मिलते हैं आपसे डाइनिंग रूम के अंदर, ब्रेकफास्ट करते हैं। छवि जो है वो रेत में ऐसी कूद रही थी मजे में नंगे पैर, तो छवि के पैरों में इतने सारे छाले पड़ चुके हैं, हर उंगली में दो दो छाले हैं, तो डैडी अभी इसकी बैंडेज कर रहे हैं, देख सकते हो आप यहाँ पे। क्यों डैडी देखो, देखना देख, ये देखो, ये देखो दस एंड दस, ओ भाई। और इधर आप देख सकते हो सामने मम्मी तैयार हो रही है, इधर आधी चैटिंग में लगा पड़ा है, और इधर देख सकते हो आप रूम भी ऐसे ही पड़ा है। अभी हमारी टैक्सी आ चुकी है बाहर, मिलते हैं आपसे सीधे एयरपोर्ट। सो फ्रेंड्स अब बिल्कुल भाई बाय करने का टाइम आ गया गोवा को, तो लगेज लैपटॉप बैग मैंने ले लिया है और अब निकलते हैं यहाँ से। मैंने एक बार चेकिंग भी कर लिया, पूरे रूम में ऐसा कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है, ठीक है। तो भाई अभी कहूँगा बाय बाय गोवा, हालांकि अभी एयरपोर्ट पहुँचने में मुलाकात ज़रूर होगी। टैक्सी वाला आ चुका है, लगेज मेरा बाहर है, एक्सेस की मैंने ले ली है भाई, और तो ये लो ये सबमिट कर दिया। चलो मैं लगेज के लिए बोलता हूँ, वो लगेज यहाँ से कैरी करके ले जाएंगे। चलो दोस्तों मिलते हैं रिसेप्शन पे और भाई बिलिंग वगैरह करा कर चेकआउट करते हैं और टैक्सी में बैठते हैं। तो दोस्तों सारी बिलिंग्स वगैरह सब क्लियर हो गया है और अब हम जा रहे हैं बाहर, क्योंकि हमारा टैक्सी जो है वो भी आ गया है। तो आते इधर, हाँ भाई आज गोवा में लास्ट डे हमारा, और बाहर आते हैं जब तक वो लगेज सेट करते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, हाँ बेटा। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए भाई एयरपोर्ट, एयरपोर्ट हमारे सामने है। सो दोस्तों एयरपोर्ट आ गए भाई, अभी हमारा लगेज उतर रहा है, ठीक है। ये चेतन भैया की टैक्सी है, ऐसी कई सारी टैक्सीज हैं, तो चलो दोस्तों चलते हैं अंदर की तरफ और मिलते हैं आपसे चेक इन करने के बाद। बोर्डिंग पास लेने जा रहे हैं दोस्तों, और बोर्डिंग पास लेते हैं और फिर फ्लाइट के अंदर मिलेंगे, हालांकि अभी फोटो सेशन होने वाला है। चलो उधर चलो बेटा निकल के। तो दोस्तों बोर्डिंग पास सारे बच्चों के मैंने कलेक्ट कर लिए हैं और हमारा लगेज भी चला गया है। अभी जा रहा हूँ मैं ऊपर लेकर के, G2 पर हमें जाना है। सो चलते हैं दोस्तों।
से एंट्री लेते हैं और सिक्योरिटी चेक भी अपना कंप्लीट करवाते हैं, क्योंकि अब तो गोवा को बाय कहने का टाइम आ गया भाई। बच्चों ने बहुत इंजॉय किया है। और कोई बोतल तो नहीं है जो फेंकनी है? आओ बेटा। सो दोस्तों, सिक्योरिटी चेक में यार बहुत देर लग गई। बच्चों के बैग में एक पानी की बोतल थी जिससे काफ़ी देर लगे, बट फाइनली अभी जो है एंट्री हमने ले लिया है और जस्ट वेट करेंगे फ्लाइट का और फिर ऑन बोर्ड हो जाएंगे फ्लाइट के ऊपर। तो दोस्तों, यही हमारी फ्लाइट खड़ी हुई है, डायरेक्ट चेक इन है अंदर ही, तो एंट्री लेते हैं भाई अभी। तो मैंने सोचा था कि बच्चों के साथ एक प्लेन के बाहर खड़े होकर फ़ोटो खिंचाऊंगा, बट वो मौका आ ही नहीं पाया क्योंकि दोनों बार हमारी प्लेन में डायरेक्ट जो है एंट्री थी। सो गाइस, फाइनली सीट मिल गई है। आपकी विंडो सीट है तुम्हारे भाई के पास, छवि और देव विंडो सीट पे आगे पीछे। तो दोस्तों, अभी प्लेन को टेक ऑफ करने देते हैं और फिर मिलते हैं आपसे आसमान। तो दोस्तों, दिल्ली में दस्तक दे दिए तुम्हारे भाई ने। भाई ट्रिप बहुत ही अल्टीमेट रही और अभी ले रहे हैं अपनी बस और मिलेंगे आपसे घर पे। चलो दोस्तों, चलते हैं और कुछ खाते हैं। 6 नंबर देखो किधर है।
और दोस्तों एक बैगेज हमारा भाई बस में छूट गया है बच्चों से, तो अभी जा रहे हैं 6 नंबर काउंटर पे और बात करते हैं और वो फिर आएगा एक बैग के लिए, पूरा का पूरा बैगेज मतलब बस मुझे लगता है वापस ही आएगी। चलो देखते हैं कितना टाइम लगता है, उतरते वक्त और चढ़ते वक्त दोनों तरफ से उधर से हमारे बैग डैमेज हो गए थे, इधर से जो है इधर से भाई हमारा बैग बस में छूट गया। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो फाइनली गाइस बैग मिल गया भाई, इंडिगो की हेल्प से हमें बैग मिल गया है। सो अभी चलते हैं और निकलते हैं भाई घर के लिए। सो इंडिगो ने काफ़ी हेल्प किया और फाइनली बैग मिल गया है, तो अभी चलते हैं। सो तो ब्लू की टैक्सी हमने करा ली है, अभी बाहर चलते हैं, एग्जिट करते हैं। सबकी टैक्सी बुक होगी, आदित्य की भी ने टैक्सी बुक कर दी है। चलें बेटा, चलो 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 आओ। चलो 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 ठीक है बच्चे, ठीक है भैया निकलो निकलो, बाय बच्चे। सो दोस्तों आदि की हो गई है, हमारी गाड़ी भी आ गई है। भैया ले आओ इधर लगेज ले आओ। सो दोस्तों मिलते हैं आपसे बीच में। दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं भाई घर के अंदर, तो सामान एक करके जरा ले लेते हैं। राजा बेटा बस 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 आओ आओ बस। फाइनली दोस्तों तुम्हारा भाई सेफली सारे बच्चों को भाई गोवा ट्रिप कंप्लीट करवा के लेके आ गया और घर आ गया। भाई दुख हुआ तो बस इसका हुआ क्योंकि ये जो है ना 4-5 दिन मेरे बिना रही है, तो मुझे ही पता है। मेरी मछलियाँ भी देखो मैं साफ करके गया था और गंदी है। हालांकि मेरे पास मछली, कुत्ता, बिल्ली और पता नहीं चिड़िया, पौधे, क्या क्या बवाल मैंने पाले हुए, बट दोस्तों इससे क्या है मेरी दिनचर्या एकदम बिजी रहती है। आप यहाँ देख ही सकते हो बॉडी की टैनिंग आपको अगर दिख रही हो, भाई बहुत ही बुरी हालत हो गई है। हाथ और कंधे देखो, हाथ और कंधे बिल्कुल अलग से दिख रहे हैं क्योंकि मैंने विदाउट स्लीव वाली टी शर्ट पहनी हुई थी, तो बिल्कुल काला हो गया था। और तुम्हारा भाई अपनी पोशाक में आ गया है, घर वाली पोशाक में। तो भैया आज के ब्लॉग को यहीं एंड कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी सच में बहुत ज़्यादा थका हूँ। लगेज वगैरह भी देखो यहीं पे पड़े हुए हैं, तो अभी एंड कर रहा हूँ। कल फिर मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग में, एक नई एनर्जी के साथ, नई उमंग के साथ। तो दोस्तों अभी के लिए तो इजाज़त, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके दोस्तों, बाय बाय, टाटा।